जोधपुर जीआरबी थाना पुलिस ने गंगा कावेरी एक्सप्रेस में चेन स्नेचिंग करने वाले 45 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जीआरबी पुलिस का कहना है, नागपुर देहात में रहने वाले विनोद यादव नामक इस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाया गया है। इसके कब्जे से 2 सोने की चेन बरामद हुई। जीआरबी पुलिस का कहना है, आरोपी विनोद यादव ने स्वीकार भी किया है कि उसने गंगा कावेरी एक्सप्रेस में चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पिछले दिनों गंगा कावेरी एक्सप्रेस में कुछ चैन स्नैचिंग की घटनाएं हुई थी, जिनमें सफर कर रही महिलाओं के गले से मंगलसूत्र और चैन खींचने की घटनाएं सामने आई थी। लगातार आरोपी की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान एक व्यक्ति लगभग 45 साल का हुलिया बताया गया था, उससे मिलता जुलता ये पकड़ में आया था। विनोद यादव, पिता गेंदालाल यादव, ये कानपुर देहात का रहने वाला है। इसने पूछताछ में कुछ घटनाएं गंगा कावेरी में करना बताया। उसके बताए अनुसार यहाँ से एक विशेष दल कानपुर भेजा गया, जहाँ से 2 सोने की चेन बरामद करने में सफलता प्राप्त हुई है। आरोपी का पुलिस रिमांड लेकर भेजा गया था, आज उसको जुडिशियल रिमांड पर जिला न्यायालय भेज दिया गया है।